साथियों आदाब, आपका इस्तकबार हमारे चैनल शबा उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसे। बनाया है चुड़िया ने चिड़ियों ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया। गया एक ही बार सूरज न डूब, मगर रफ्ता रफ्ता हुआ है गुरूब। गए लखते लखते में उम्रे गुजर, कदम ही कदम तय हुआ है सफर। समुद्र की लहरों का तनता सदा किनारे से है आके टकरा रहा। इसी तरह दरिया से उठती है मौज, सदा गिरती रहती है धावे या फौज। किनारों को आखिर गिरा ही दिया, चट्टानों को बिल्कुल सफा चट किया। बरसता जो मीना मूसलाधार है सो ये नन्नी बूंदों की बौछार है। दरख्तों का झंडा और जंगल घने, यूं ही पत्ते से पत्ते मिलकर बने। हुए रेशे रेशे से बन और उजाड़, पना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़। लगा दाने दाने से गल्ले का ढेर, बड़ा लम्हे लम्हे से बरसों का फेर। जो एक एक पल करके दिन कट गया, तो घड़ियों ही घड़ियों में बरस घट गया। लिखने वालों ने एक एक हुरूफ हर्फ, हुई गड्डियां कितनी कागज की सर्फ। हुई लिखते लिखते मुरत्तब किताब, इसी पर हर एक शे का समझो हिसाब। जुलाहे ने चोड़ा है एक एक तार, हुई थान में जिस गजों से शुमार। हर एक इल्म फन और मुरक्कब हुनर, न था इब्तिदाही से इस ढंग पर। मगर बढ़ते बढ़ते तरक्की हुई, जो नेजा है अब था वो पहले सुई। यूं ही पहियों पहियों फिरे चेलताल, यूं ही कोड़ी कोड़ी हुआ जमा माल। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम हो वे तमाम। तो देखा आपने, इसके अंदर यही चीज सबसे अहम है समझने की, कि इन्होंने बताया कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके अंदर लगन है, तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप उस पूरे काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर इसके कुछ अल्फाज मानी भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले है गुरूब होना यानी छिप जाना, लहजा पल घड़ी ते पूरा करना, गल्ला अनाज सर्फ खर्च लम्हा सेकेंड। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसके अल्फाज मानी भी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।